तो जब भी हम अपने घर की टाइल सेलेक्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि टाइल कौन सी लें, टाइल कौन से ब्रांड की लें, टाइल का साइज क्या होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि टाइल का कलर एंड डिजाइन क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टाइल हमें शोरूम में बहुत ज्यादा लग्जरी फील दे रही है वो कहीं घर में लगने के बाद एकदम घटिया फील दे। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चार सवाल के तो जवाब दूंगा ही दूंगा, और साथ के साथ मैं आपको वो सीक्रेट डिजाइंस देने वाला हूं जो इंटीरियर कोच के डिजाइंस में आते हैं, और ये सारे डिजाइंस एंड कलर्स पूरे इंडिया में अवेलेबल होंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंट कोच पे, और मैं आपका इंट कोच एंड इंट बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 20th ऑफ जुलाई को फाइनली हम वो चीज लेके आ रहे हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल में डिजाइन लेवल पे चल रहा है लेकिन इंडिया में नहीं है, और जो है वो बहुत ही बेकार लेवल पे है, जिसको डिजाइन करने के लिए 5 से 10 लाख का खर्चा आता था लेकिन उसे हम ले आए हैं इंडिया के प्राइस। तो अपने वीडियो के टॉपिक पे सीधा जंप करते हैं। अब बस मैं आपको एक छोटी सी फोटो दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है बट ट्रस्ट मी टेक्निकल नहीं होगा, आप ये एक बार देख लो, इससे आपको वीडियो आसानी से समझ में आएगी। साथ के साथ आप जब मार्केट में टाइल खरीदने जाओगे तो आप इस फोटो के थ्रू टाइल सेलेक्ट कर पाओगे। अब मैंने यहां पे टाइल को साइज के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे प्लैंक टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल एंड स्क्वायर टाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लैंक टाइल। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बेडरूम और ड्राइंग रूम्स पे बात करने वाला हूं। अगर ये वीडियो 5000 लाइक से ज्यादा आ गए तो इसके मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा। तो प्लैंक टाइल के अंदर जो मार्केट में साइज अवेलेबल है वो है 8 इंच बाय 3 फीट, 8 इंच बाय 3 फीट 4 इंच एंड 8 इंच बाय 4 फीट। और जो बेस्ट साइज होता है वो होता है 8 इंच बाय 4 फीट। अब आप कहेंगे यार मनीष ये क्यों, और भी तो साइज है, ये क्यों नहीं ले सकते। ये साइज मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि अगर हमारे रूम का साइज छोटा है और अगर हम लंबे प्लैंक्स को यूज करेंगे तो हमारे रूम की जो लेंथ है वो और ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। सेकंड जो इसका फायदा होता है प्लैंक टाइल का बेडरूम्स में लगाने का, वो ये होता है कि ये वुडन फ्लोरिंग की पूरी फील दे देता है, जबकि वुडन फ्लोरिंग की लाइफ कम होती है और टाइल की लाइफ तो 15-20 साल आराम से होती है। अब इसको लगाने से पहले इसके पीछे 3 छोटी सी ट्रिक है, ये जरा ध्यान से सुन लो कि अगर ये ट्रिक मिस कर गए तो जो टाइल मैं आपको डिजाइन आगे दिखाने वाला हूं तो वो डिजाइन भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 1 कि जिस तरफ से रूम लंबा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रूम अगर 14x10 का है तो हमें जो प्लैंक लगाना है वो अक्रॉस दी लेंथ, जो लंबी वाली वॉल होगी उसके अगेंस्ट लगाना है। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि बेड हमेशा इस लेंथ के अक्रॉस, मतलब कि 90° एंगल पे लगे। आई नो टेक्निकल लेकिन थोड़ा देखो। थर्ड जो है, ये सिर्फ मैं बेडरूम के लिए प्लैंक को रिकमेंड कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम या अदर एरियाज में भी ये लगाई जा सकती है, बालकनी में भी लगाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर डिजाइन एक्सपर्ट कॉल की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पर्टिकुलरली किसी एरिया में रैंडम डाल दिया तो ये देखने में और भी बुरा लग सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका कलर। अब इसमें जो इसके बेस्ट कलर्स होते हैं वो होते हैं लाइट ग्रे, लाइट वुड एंड डार्क वुड। एंड डोंट वरी, अभी कोड और फोटो दोनों दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट जो आता है वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है इस टाइल का टेक्सचर, कि मतलब के अंदर जो रेशे हैं या ग्रेन्स हैं या स्पॉट्स हैं वो कैसे दिखने वाले हैं। अगर ये ढंग से नहीं चुने तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अब ये समझने के लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अब सबसे पहले आप ये टेक्सचर देख रहे हो, हमेशा जो वुड के ग्रेन्स हैं वो पतले होने चाहिए। नेक्स्ट अगेन आप ये लाइट वुड में जा सकते हो, जो मैंने लाइट के कलर्स के ऑप्शंस आपको दिए थे। इस केस में भी आप देखोगे जो रेशे हैं वो पतले हैं और जो ग्रेन्स हैं वो भी पतले हैं। स्पॉट्स जो देख रहे हो, स्पॉट्स मतलब जो ये काले धब्बे होते हैं, ये भी पतले हैं, मतलब कि छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। और इन ग्रेन्स की वजह से हमारे रूम में आती है एस्थेटिक लुक, तो इस चीज का ध्यान रखना, स्पॉट्स और रेशे बहुत ही कम होने चाहिए। नेक्स्ट आती है इस टाइल की फिनिश, कि भाई टाइल कौन सी फिनिश की लेनी है। यहाँ पे हमें टाइल लेनी है हमेशा हमेशा मैट फिनिश की, ग्लॉस में नहीं लेनी है, क्योंकि जो वुड है ना यार वो चमकीली वुड कभी आपने देखी नहीं होगी। जो लकड़ी के पेड़ है वो आपको ग्लॉस में दिख रहे हो, वो सब मैट फिनिश में होता है, तो इसलिए मैट में ही असली वुड की फील आएगी। आप देखते हैं वो डिजाइंस जो आपको नहीं लेने हैं। अब ये डिजाइंस आपको नहीं लेने हैं क्यों, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ कलर बहुत ही ज्यादा हैवी है, दूसरा इसके टेक्सचर्स और इसके ग्रेन के स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले सोफा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइल ही दिखाई देगी। और हमें टाइल का मकसद ये होता है कि हमें पूरा एस्थेटिक बना के रखना है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देख रहे हो अगर ज्यादा डार्क कलर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमें फर्नीचर भी व्हाइट ही रखने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने फर्नीचर को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। अगेन यहाँ देख रहे हो फर्नीचर पे बाद पे नजर जाएगी, लेकिन जो ग्रेन्स हैं इस पे सबसे पहले नजर आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड ग्रेन्स हैं। तो ये डिजाइन, ऐसे टाइप के डिजाइन हमें
कभी नहीं लगाने। नेक्स्ट जो आती है वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर टाइल। दैट्स राइट, रेक्टेंगल आप समझ ही गए होंगे। और इस टाइल के जो साइजेस अवेलेबल हैं वो है 4 feet by 2 feet, 5 feet by 2.5 feet, 6 by 4 एंड 8 by 4। ये सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट साइजेस हैं वो है 4 feet by 2 feet एंड 5 feet by 2.6 feet, मतलब 2.5 feet के आसपास, जिसे 2 feet 6 inch भी बोलते हैं। ये जो साइज मैंने आपको बताया ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा, इन साइजेस में थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स एंड कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये आपकी बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर इजीली एक्सेसिबल है, मतलब कि लिफ्ट में आसानी से ले सकते हैं। अगर आप सोच के देखो, 8x4 की टाइल है और आपका घर है 15th फ्लोर पे, तो 8 feet by 4 feet की टाइल आपकी लिफ्ट में नहीं आ पाएगी, और टाइल से ज़्यादा खर्चा आपको टाइल की शिफ्ट करने में, मतलब टाइल को ऊपर ले जाने में खर्चा आ जाएगा। चौथा, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन साइज से ऊपर साइज पे जाते हैं जो आपकी कॉस्ट है, वो लेइंग कॉस्ट साथ साथ मटेरियल कॉस्ट ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो चीज़ हमारी 100 रुपये में लग रही थी, अब वो चीज़ हमारी 300 रुपए में लगेगी। अब आप बोलोगे, नहीं यार मनीष, ऐसा क्यों होना चाहिए? सपोज करो ये 4x2 की टाइल है, 4 feet by 2 feet। अब इस टाइल को मैं अकेला या दो बंदे मिलके उठा सकते हैं। ये मसाले के ऊपर हम रखेंगे, एक बंदा इस कोने पे खड़ा होगा, एक बंदा इस कोने पे खड़ा होगा, दोनों बंदे मिलके इसको आराम से टाइल लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही ये टाइल का साइज बढ़ जाएगा, मतलब कि इस टाइल का साइज 6x4 या 8x4 हो जाएगा, अब इस टाइल को पकड़ने के लिए कम से कम 5 से 6 लोग चाहिए, और 5 से 6 लोग एक ही टाइम पे चारों तरफ से उसमें मोर्टार फिल करेंगे फॉर बेटर एडहेशन के लिए। अब यहाँ गलती क्या होती है, जो यहाँ पे मेजर होते हैं वो इतने छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद इतने मेजर एक साथ अवेलेबल नहीं होते, और एक तरफ से तो सिर्फ 2 मिस्त्री हैं जो मसाला डाल रहे हैं टाइल को फिट करने के बाद, ये घोल सिर्फ 2 मिस्त्री डाल रहे हैं, और बाकी तरफ से जो सारा स्लरी है सीमेंट का वो लेबर डाल रही होगी, जहाँ पे आधी टाइल स्किल्ड लोगों ने लगाई होगी, आधी टाइल अनस्किल्ड लोगों ने लगाई होगी, और बाद में फिर ये टाइल जाके ढोल की तरह बजने लग जाती हैं या अपने आप उखड़ने लग जाती है। इसलिए 4x2 की टाइल और 5x2.5 की टाइल बेस्ट इन साइज होती है। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा छोटी टाइल ले लेंगे, इससे छोटी टाइल्स ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा जॉइंट दिखाई देंगे, जिसकी वजह से टाइल की जो फील आने वाली थी वो अब फील उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन आ सकती है छोटी टाइल्स में भी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने डिज़ाइन और कलर क्या चूज किया है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड, अब आता है इस रेक्टेंगुलर टाइल का कलर। अब इसका जो बेस्ट कलर आता है, जो एकदम लग्जरी इटालियन फील आपको देगा, वो बिलोंग करता है द फैमिली ऑफ ग्रेज एंड द फैमिली ऑफ बेज। अब इन पर्टिकुलरली फैमिलीज के अंदर आपको कम से कम 500 के आसपास डिजाइन मिल जाते हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूँ जिसमें आपको ये भी नहीं ढूंढना पड़ेगा कि हम टाइल लेने के लिए कहाँ गए। मैं आपको सीधा शॉप का नाम बताऊंगा, जहाँ आपको सीधा मिलेगा इंटीरियर कोच की तरफ से एक तगड़ा डिस्काउंट, क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो यहीं से मेरे पूरे गुड़गांव और NCR की टाइल्स जाती थी। अब थर्ड जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टेक्सचर। सारा गेम टेक्सचर का ही होता है, अगर टेक्सचर गलत चूज कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे इटालियन टाइल्स में 2 टाइप से मान के चलते हैं। फर्स्ट, इटालियन टाइल्स विद हेयरलाइन ग्रेन्स, एंड सेकेंड, इटालियन टाइल्स विद नो ग्रेन्स। टेक्निकल नाम तो कुछ और होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने खुद से ये नाम रख दिया। तो सबसे पहले जो फोटो आती है वो होती है ये, जिसको हम अरमानी ग्रे के नाम से जाते हैं। बस बहुत ध्यान से सुनना ये चीज, जो ये ग्रेन्स देख रहे हो ये हेयर लाइन है, मतलब कि बहुत पतले पतले हैं, और टेक्सचर जो है इसके अंदर वो इनबिल्ट भी बना हुआ, जो कॉन्क्रीट जैसा फिनिश देता है। अगेन, अब इसमें ये अगेन ग्रे और बेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कलर्स आप देख ही रहे हो। अब सीधा मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी टाइल्स, जो कि ग्रेन्स जिसमें नहीं होते हैं, होते हैं जैसे क्रीमा मार्फिल। अगर आप ध्यान देखेंगे तो पर्टिकुलरली कोई भी ग्रेन हाईलाइट नहीं हो रहे, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो उनका वेट है, मतलब देखते हैं तो पर्टिकुलरली कोई ग्रेन हाईलाइट नहीं होते, सारे इक्वल से आपको दिखाई देंगे। जैसे अगेन आप ये ग्रे शेड में जाओगे तो यहाँ पे भी कोई स्पेशल हेयरलाइन कोई भी टाइप का ग्रेन नहीं है। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि कौन सी टाइल नहीं लेनी है। भाई ये टाइल प्लीज मत लेना यार, अब हो सकता है कई लोगों की टाइल अच्छी लग रही होगी, या नहीं अमनीश ये तो टाइल तो अच्छी लग रही है, और अगर ये टाइल अच्छी नहीं लगती तो कोई बनाता क्यों। ये अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन एक्सपर्ट के पास ही जाके डिज़ाइन करवाना, तभी ये टाइल अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसका स्केल पर्टिकुलरली हाईलाइट वॉल्स पर डाला जाता है, हाईलाइट फ्लोर पर डाला जाता है, जिसके लिए समझाने के लिए पूरी एक मतलब 4 से 5 वीडियो बन सकती हैं। अब आती है हमारी स्क्वायर टाइल्स।
अब स्क्वायर टाइल्स की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगुलर से सेम मैच होती है, बस जो फर्क आ जाता है एक तो शेप का डेफिनेटली। और स्क्वायर टाइल्स को मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब हमारे घर का एरिया बड़ा है, मतलब हमारे जो बेडरूम के साइज हैं वो एटलीस्ट 14x15 के हैं या 14x14 से बड़े होते हैं, तब हम स्क्वायर टाइल्स को रिकमेंड करते हैं। अब आप कहेंगे यार मनीष ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हमारे रूम के साइज छोटे थे बेडरूम में, तब हमने क्या किया था, प्लैंक टाइल डाल दिया था जिसकी वजह से हमें बड़ा दिखाना था। और ड्राइंग रूम में हम गए थे तो भी हमने रेक्टेंगुलर टाइल डाल दी थी जिससे कि हमारे एरिया एनलार्ज दिखाई दे। जबकि अगर हमारे पास ऑलरेडी बड़ा एरिया है तो हमें स्केल को मेजर करते हैं, क्योंकि सपोज करो आपका ड्राइंग रूम है 25x18 का, लेकिन अब उसमें आपने रेक्टेंगल दे दिया और ज्यादा बड़ा ही दिखेगा, तो ड्राइंग रूम कम और एक हॉल बैंकेट हॉल ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर टाइल डालेंगे। स्क्वायर टाइल का साइज जो मार्केट में अवेलेबल होता है 2x2 और 4x4, 2x2 तो हमारी चल जाती है कॉमर्शियल, लेकिन 4x4 हमारे इस स्केल को प्रॉपर सेट कर देती है और हमारा बड़ा ड्राइंग रूम जो है वो प्रॉपर ड्राइंग रूम की तरह दिखाई देता है, ना कि बैंकेट हॉल की तरह। अब आते हैं उन ब्रांड्स की तरफ जो ये सारे ब्रांड्स इन टाइल को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है AGL, फिर आता है हमारा सोमानी, फिर आता है हमारा कजारिया, फिर आता है हमारा नेटको, फिर आता है हमारा हिंडवेयर। अब ये तो वो पांच फेमस कंपनी है जो ऑलरेडी मार्केट में है, और ओरिएंट बेल भी आ जाता है इसके अंदर। लेकिन नेक्स्ट होता है हमारी गुजरात की टाइल्स, जिसमें ब्रांड तो फेमस नहीं है लेकिन टाइल हमेशा सेम है, क्वालिटी सेम, लाइफ सेम, फिनिश सेम, सारी चीज सेम होती है। अब इसके लिए एक टाइल ब्रांडेड अच्छी है कि नॉन ब्रांडेड, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और ये मेरी जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी सेकंड या थर्ड वीडियो थी जो कि बहुत बूम हुई थी, तो उसको जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह डाल दिया है। और गाइस वेबिनार, अगर आप एक डिजाइनर हैं या एक इंजीनियर हैं तो वेबिनार को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब हमें कमेंट्स आने शुरू हुए हैं कि आपके इस वेबिनार की वजह से हमें ऑलरेडी सैलरी में हाइक और प्रमोशन मिलना शुरू हो गया। और 20 जुलाई को लिंक नीचे मैंने डाल दिया है, रजिस्टर कर लेना, क्योंकि ये लाइव जो है पेड होगा। अगर 17 जुलाई से पहले रजिस्टर कर लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर 20 जुलाई को भी और वीडियो के साथ अगली। टिल देन गुड बाय एंड गुड बाय।